में लंबे समय से डेटा प्रोटेक्शन को लेकर बहस हो रही है। रोजाना टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है और ऐसे में डेटा की सुरक्षा को लेकर भी रोजाना सवाल उठते हैं। खासकर वो लोग जो टेक्नोलॉजी को लेकर सजग नहीं है, उनके लिए डेटा की सुरक्षा अहम बात है। केंद्र की मोदी सरकार ने पर्सनल डेटा के प्रोटेक्शन को लेकर बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार नए संशोधित डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 का प्रस्ताव लेकर आई है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 के ड्राफ्ट को पेश करते हुए सरकार ने इसके प्रावधानों का उल्लंघन करने पर जुर्माने की राशि को बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए कर दी है। इसका मतलब है कि संशोधित बिल में डेटा का गलत इस्तेमाल किए जाने पर 500 करोड़ रुपए तक की पेनल्टी का प्रावधान तय कर दिया गया है। इससे पहले अगस्त महीने में भी सरकार बिल लेकर आई थी, लेकिन उस पर कई सवाल उठे थे जिस कारण से बदलाव करना पड़ा। सरकार अब एक डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड भी बनाएगी जो कंज्यूमर्स की शिकायतें सुनने के बाद उसे हल भी करेगी। केंद्र की तरफ से इस कानून के प्रयोजनों के लिए एक बोर्ड की स्थापना भी होगी जिसे डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया कहा जाएगा। अब आपको बता दें कि नए बिल के मुताबिक अगर कोई यूजर अपना सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट करता है तो कंपनी को भी उसका डेटा डिलीट कर देना होगा। कंपनी यूजर का डेटा तब तक ही रख सकती है जब तक यूजर का व्यावसायिक उद्देश्य पूरा नहीं होता। अब से यूजर्स के पास अपने पर्सनल डेटा में सुधार करने और उसे मिटाने का अधिकार होगा। साथ ही कम उम्र के बच्चों को कंपनियां ट्रैक नहीं कर पाएंगी और कई मामलों के लिए माँ बाप की अनुमति की भी जरूरत होगी। नए डिजिटल पर्सनल डेटा बिल में बायोमेट्रिक डेटा के मालिक का अपने डेटा का पूरा अधिकार होगा। यहाँ तक कि अगर किसी कंपनी को अपने कर्मचारी की हाजिरी के लिए बायोमेट्रिक डेटा की जरूरत होगी तो भी कर्मचारी के अनुमति या सहमति लेनी होगी। अब आपको बता दें कि ये बिल आखिर जरूरी क्यों है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत में बाकी देशों की तरह पर्सनल डेटा की सुरक्षा को लेकर कोई सख्त कानून नहीं है। इसका फायदा डेटा इकट्ठा करने वाली कंपनियों को मिलता है और वो कंपनियां बिना अपने यूजर के अनुमति लिए इस डेटा का इस्तेमाल दूसरे कामों के लिए करती हैं। अब से लोगों के पास अपने डेटा को सुरक्षित रखने का अधिकार होगा। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल ओरिजिनल्स की रिपोर्ट।